सन 2002 एक ऐसा ईयर जिस टाइम पर हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। डूंगाराम चौधरी ने हिस्ट्री क्रिएट की थी ड्रॉपर बैच से फर्स्ट रैंक निकाल करके, जिन्होंने उनको पढ़ाया था उस टाइम पे। आज हम लोग उस इंस्टीट्यूट में और जानते हैं इनके बच्चों के जेई मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इन बच्चों से जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है और आने वाले जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है कैसे क्या प्रिपेयर करके चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं। क्या हाल चाल है? अच्छा, जेई मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी अभी 15 जैसे टेस्ट देने हैं और सारे PYQ और नोट सब रिव्यू तो वही चल रहा है। अच्छा, टेस्ट देना है और PYQ सॉल्व करना है ज़्यादा ज़्यादा। लास्ट के 10-15 दिन बचे हुए हैं, प्रेशर फील हो रहा है कुछ? ना, इतना तो प्रेशर नहीं है कुछ। प्रेशर वगैरह वो टीचर से बात करके हो जाता है वो, और प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है। कुछ स्पेसिफिक तैयारी है आपकी लास्ट के 15-20 दिनों के लिए? शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना और जो टेस्ट है उन्हें एनालाइज करना। ओके, आपकी? PYQs एंड रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। ओके, PYQs वगैरह के लिए क्या सोचा हुआ है, कितना ज़्यादा प्रिपेयर करके चल रहे हो अभी? PYQs करते चलेंगे और शॉर्ट नोट्स अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो टेस्ट है उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अभी कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने कवर नहीं किया हो जेई मेंस में और अप्रैल के लिए सोच रहे हो कि हाँ उस टाइम कवर करेंगे? हाँ, अभी थोड़ी 12th के बोर्ड के चैप्टर्स जो कवर हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो छोड़ रखे हैं अभी। अच्छा, बाकी कवर कर रखा है। मेनली जो 11th का जो भी चैप्टर होते हैं उन पर हम कम ध्यान देते हैं जो हम इसके एग्जाम के बाद दे सकते हैं। और अभी मेनली जैसे कि सब 12th का जो स्टूडेंट हो गए वो बोर्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए 12th का जो भी टॉपिक होता है स्पेसिफिक टॉपिक उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि अप्रैल के एग्जाम में हम लोग ज़्यादा 11th पे ही फोकस करते हैं नंबर अच्छे लाने के लिए। बाकी ओवर द ईयर्स वाइब्रेंट एकेडमी में लग रहा है, अच्छा माहौल था, अच्छी पढ़ाई हुई है जी मेंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या स्ट्रेटजी लास्ट के 10-15-20 दिनों? मेरी PYQ रिवीजन चल रहा है और 11th के कुछ टॉपिक जो है मेरा चैप्टर वो अभी छूटा हुआ है नहीं, और ये शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। शॉर्ट नोट्स आपने बताया, शॉर्ट नोट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली? शॉर्ट नोट्स में जो शॉर्टली आप कुछ जितनी भी टॉपिक्स है उसको आप कम टाइम में रिवीजन कर ले रहे हैं, जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो सब रिवीजन हो जा रहा है। यस, सही चल रही है, बस रिवीजन चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, इधर शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाता है 12th का या 11th का। PYQ सॉल्व और रिवीजन शॉर्ट नोट्स के बस, और साथ में जो एकेडमी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस वो टेस्ट। PYQs कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई मेंस के लिए खास तौर पे? नहीं, PYQs होता है इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, कर लें और क्या कर। ओवर द ईयर्स वाइब्रेंट एकेडमी कितना अच्छा पढ़ा है? बहुत अच्छा करवाया है, मतलब मेंस से ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा एडवांस पे भी फोकस किया है, मेंस तो चलता ही रहता था, सेटिस्फाइड प्रिपरेशन करवाया है। ओके, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो आपने अभी छोड़े हों अप्रैल के लिए तैयार करोगे आप? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई चैप्टर नहीं है क्योंकि बहुत टाइमली इन लोग वाइब्रेंट में सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तो फिलहाल ऐसा सारा चैप्टर कंप्लीट है आपके। आपकी क्या स्ट्रेटजी? मेरे वही नोट्स PYQs और टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं अभी, और वही रिविजन शॉर्ट नोट से। रिविजन का आपने बताया, तो रिविजन का टाइम मिल पाया अभी जनवरी वाला अटेम्प्ट में? हाँ बिल्कुल मिल पाया, सिलेबस कंप्लीट हो गया टाइम पे, तो टाइम रिवीजन का टाइम मिल गया, सफिशिएंट टाइम मिल गया रिवीजन का। मार्क्स वगैरह क्या सोचे हुए आप लोगों ने अभी? अराउंड 180 टू 200। 180 टू 200, 99 प्लस आए। 99 प्लस सोचा हुआ है, जैसे कि आप अभी मेंस दे रहे हो तो IIT सोचा हुआ है, IIT माइंड में या फिर NIT माइंड? ऑफ कोर्स IIT माइंड में। ओके, कितने मार्क्स सोचे हुए आपने? अराउंड 250। 250, और कॉलेज? IIT बॉम्बे। अराउंड 180, और कॉलेज IIT कोई भी। IIT कोई भी चलेगी। कोई भी चलेगी, बाकी जेई मेंस तो देना है उसके फोकस जेई एडवांस पे। हां, जेई एडवांस पे, उसके बाद अभी जेई मेंस, इसके बाद जेई एडवांस पे फोकस करना। अराउंड 180 टू 200 एंड IIT कोई भी चलेगी। कोई भी IIT चलेगी। अप्रॉक्स 180 टू 200 कोई चाहिए, कोई भी IIT कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको NIT पे ज्यादा फोकस करके चल रहा है, सारे मोस्टली IITs पे चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड स्कोर्स एंड कॉलेज, ड्रीम कॉलेज? अभी ये है कि मेंस में एटलीस्ट 99% आए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन और मेहनत करें और फिर IIT मेन टारगेट है। अप्रैल अटेम्प्ट से अभी जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है इसको कैसे डिफर देखते हो आप?
अप्रैल अटेम्प्ट में तो ज़्यादातर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और थोड़ा पेपर पैटर्न भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जनवरी अटेम्प्ट में ही क्लियर करने का ट्राई करना चाहिए ट्वेल्थ के बच्चों को स्पेशली। ओके, और ड्रीम कॉलेज क्या है आपका? नहीं, ड्रीम कॉलेज तो नहीं है, बस आई आई टी चाहिए। NIT टूर की। NIT त्रिची। हाँ। ओके, एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स? 180 अबव। 180 अबव। कुछ ब्रांच वगैरह बताओ, कौन सा ब्रांच सोचा हुआ है? IITs का तो सबने बता दिया, NITs का बता दिया, कोई ब्रांच स्पेसिफिक सोचा हुआ है? इलेक्ट्रिकल। MNC सोच रहा हूँ। CS चाहिए। CS में जैसे भी आप देख रहे होगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस टाइप की सब ब्रांचेस भी आ रही हैं, कोई इसमें कुछ इंटरेस्ट है आपका? इंटरेस्ट तो है, मतलब क्या ही कहेंगे, अभी तो ज़्यादा फोकस अभी एडवांस और मेंस पे, वो सब तो बाद में भी देख सकते हैं। राइट, ब्रांच वही अच्छी ब्रांच इलेक्ट्रिकल। कुछ सोचा हुआ है कि पैकेज वगैरह क्या कितना लेना है IIT में जाने के बाद? अभी उतना दूर तक का तो नहीं सोचे, उतना दूर नहीं सोचा हुआ है। ओके, आप देखते होगे कि न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर कटिंग्स में, रील्स में, शॉर्ट्स में कुछ पैकेजेस वगैरह दिखते होंगे, आपने कितना सोचा हुआ है कॉलेज जाने के बाद? पैकेज का तो फिलहाल नहीं सोचा है मैंने भी। हाँ, मैंने बस अभी फिलहाल मेंस और एडवांस और IIT का सोचा है, बाकी तैयारी उसके बाद करेंगे। हाँ, कॉलेज क्या कोई भी बने IIT में टॉप 4 IITs में CS वगैरह। कॉलेज जाने के बाद क्या अलग करना है कोटा में, कोटा के अलावा? कॉलेज जाके कोटा के अलावा क्या करना है, मतलब कॉलेज जाने के बाद, मतलब कोटा में जो चीज़ें भी कर रहे हो, जैसे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना? तो वहाँ बस पढ़ेंगे नहीं, मतलब पढ़ेंगे थोड़ा, बाकी सब एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा फोकस करना। ओके, तो ये थे कुछ वाइब्रेंट के बच्चे हमारे साथ, ड्रॉपर बैच के एंड साथ में 12th स्टूडेंट भी थे। इन्होंने अपनी बताई JEE मेंस की कैसी तैयारी इनकी चल रही है और कॉलेज वगैरह क्या क्या सोच के रखे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट बच्चों के साथ।